ऐसा है कि कल ही कोई सज्जन मोबाइल से मुझे दिखा रहे थे, बहुत से मुसलमान सज्जन श्री राम मंदिर के लिए अयोध्या गए ईंट लेकर कि रामलला का मंदिर बने। कल ही की बात है, कल दिखा रहे थे। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में बहस प्रारंभ होने की स्थिति है। डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी जी अभी कहीं मिले थे चेन्नई में, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि अधिक संभव है कि बहस ग्रीष्मावकाश के पूर्व ही समाप्त हो जाए, उसके बाद जो न्यायाधीश अधिकृत हैं वे गर्मी की छुट्टी में जजमेंट लिखें और आगे अगस्त तक वो अपना निर्णय प्रसारित कर दें, सुना दें। अब वो निर्णय किस प्रकार का होगा उसके बारे में तो अभी कह नहीं सकते। तीन जस्टिस होते हैं, उसमें एक नियम है कि एक मुसलमान के मुस्लिम परिवार के अवश्य हों। आजकल जो जस्टिस नियुक्त किए गए हैं वो दक्षिण भारत के मुसलमान हैं। दो हिंदू होते हैं। वाजपेयी जी के शासनकाल में पुरातत्व विभाग ने खुदाई करवाई, वहाँ बिल्कुल मंदिर के ही चिन्ह मिले। और नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने घोषणा की थी अगर खुदाई में मंदिर के ही सारे चिन्ह प्राप्त हुए तो मंदिर बनाने के मार्ग में हम अवरोध नहीं डालेंगे। समझ गए ना? अब निर्णय क्या होगा न्यायालय का वो तो मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि विभाजन के बाद का स्वतंत्र भारत है। विभाजन के बाद के स्वतंत्र भारत में हिंदू अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा में समर्थ न हों, मान बिंदु की रक्षा में समर्थ न हों या अधिकृत न हों तो मानना चाहिए कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत एक स्वतंत्र देश है ही नहीं। और मुस्लिम सज्जनों को हिंदुओं पर कृपा करने की भावना से नहीं, कृतज्ञता ज्ञापन करने की भावना से या विचार करना चाहिए कि विभाजन के बाद के भारत में तीन तीन मुसलमान सज्जन अब तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। एक मुसलमान सज्जन कुछ महीने पहले तक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। बीपी सिंह जी के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन भारत के गृहमंत्री रह चुके हैं। उनकी बेटी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री है आजकल। नरसिंह राव के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अनेकों मुसलमान सज्जन राज्यपाल मुख्यमंत्री रहे हैं। यह सब हिंदुओं की उदारता है, इसे कोई भी तंत्र दुर्बलता न समझे। हिंदुओं ने विभाजन के बाद के भारत में जिस प्रकार के अपनत्व उदारता का परिचय दिया है, बांग्लादेश पाकिस्तान अरब राष्ट्र हिंदुओं के प्रति स्वप्न में भी इस प्रकार की उदारता का परिचय अब तक तो नहीं दे पाया है। हिंदुओं की उदारता को किसी कीमत पर मुस्लिम तंत्र मानवाधिकार की सीमा में दुर्बलता न समझे। भले ही स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने हर तरह से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का दबाने का प्रयास किया हो, लेकिन सत्य तो अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग निकाल लेता है।
ऐसी स्थिति में जब हिंदू अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाएगा तो विश्व संभाल उसको नहीं सकता है। इसलिए बुद्धिमत्ता का परिचय इसी में देना चाहिए कि पूरे विश्व का मानवाधिकार का पक्षधर जो मनुष्य है वह राम मंदिर बनाने का ही प्रयत्न करे। मुस्लिम तंत्र का यह दायित्व है यथास्थान राम मंदिर ही बने, प्रतीक के रूप में भी, वहाँ के प्रतीक के रूप में भी भारत की सीमा में कहीं मस्जिद न बने। इससे मुसलमानों का भला होगा, हिंदू मुसलमान प्रेम पूर्वक रह सकेंगे। मंदिर कब बन सकेगा ये आपने पूछा, मैंने संकेत में बहुत कुछ बता दिया।